तो महादेव मन ही मन देवताओं से कहते थे कि बेटे तुम भी देखते रहो, चलो। लंबा समय निकल गया और उसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु तो राह देख रहे थे कि कब ये लोग पुरुषार्थ करें, कब पुरुषार्थ करें। अब जब सारे देवता चिंतित है, हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे प्रभु, हम तैयार है, जो करना पड़े करने को तैयार है, लेकिन महादेव कृपा करें। और तब तो भगवान विष्णु को भी दया आ गई। जहां पर विहार है भगवान शिव और शिवा का, वहां जाकर के भगवान विष्णु ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की भगवान शंकर की कि प्रभु आप दया कीजिए, देवता बहुत दुखी है। सारे देवताओं का अपना अपना साधन है, अपना अपना बल है, क्योंकि देवता गरीब भी नहीं है। सारे देवताओं के पास बहुत सारा वैभव है, सारे देवताओं के पास अपने अपना शस्त्र है, लेकिन अभी तक देवता को न तो अपना कुछ धन लगाना था समाज के लिए, न तो अपना शस्त्र उठाना था समाज के लिए। भगवान रक्षा करे, बस हम तो घर में लाठी भी नहीं रखेंगे, भगवान रक्षा करे। ऐसा समझकर बैठे थे अपना शस्त्र, अब देवताओं ने उठाया है, अब देव तैयार है कि हम हथियार रखेंगे, घर घर में रखेंगे, घर घर में हम आयुध रखेंगे, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हम साधन रखेंगे, हम शस्त्र रखेंगे घरों में, और राष्ट्र के मंगल के लिए हमें जो कुछ योगदान करना पड़ेगा हम राष्ट्र के लिए योगदान करेंगे, हमें जो देना पड़ेगा हम देश के लिए देने को तैयार है, देश की रक्षा के लिए हम देने को तैयार है, देश के सैनिकों के लिए हम देने को तैयार है। इस प्रकार योगदान भी होना चाहिए और स्वयं को भी निडरता पूर्वक समय पर शस्त्र उठाने की तैयारी रखनी चाहिए, तब रक्षा होती। देवता उन्हें कहा कि हम जो करना पड़ेगा हम सब तैयार है। भगवान विष्णु अब गए सारे देवता को लेकर के और भगवान शिव के पास गए, आंसुओं के साथ आज भगवान विष्णु ने शिव जी की प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हो गए और उसी समय शिव जी के फाल पर जो पसीना आया हुआ था, शिव के ललाट से एक दिव्य तेज निकला, एक अग्नि का गोला था वो जो शिव के भाल से प्रकट हुआ। कौन धारण करे, जब देवताओं को कहा कि कर लो, तो देवों ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है धारण करने की, अग्निदेव ने धारण किया, लेकिन अग्निदेव के धारण करने से भी देवता जलने लगे, क्योंकि सारे हवन होम अग्नि में होते हैं और अग्नि के द्वारा देवता में जाते हैं, तो उसमें शिव तेज जा रहा था। देव सारे व्याकुल हो गए, वो तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा था, गया सभी देवताओं में अपना तेज उसमें डाल करके महादेव ने मानो सबका शुद्धिकरण किया देवों का, और सारे देवता फिर शिव जी के पास जाकर कहने लगे कि ये तेज जो हवन होम के द्वारा हमारे अंदर आ रहा है हमसे सहन नहीं होता, हम जल रहे। शिव जी ने हंसते हुए एक कृपा दृष्टि देवताओं के ऊपर की, सबकी पीड़ा शांत हो गई और वो तेज देवताओं से निकल गया, और देवताओं से निकल करके वो तेज पृथ्वी पर गंगा में गिरा। गंगा ने वो तेज
किनारे पर कर दिया। अब कौन धारण करे इस तेज को? और ऐसे में प्रयाग तट पर माघ में जो सात ऋषियों की स्त्री स्नान के लिए गए थे और उसमें अरुंधति को छोड़कर सप्त ऋषि में से एक अरुंधति को छोड़कर के जो छह महिला थी वो अग्नि को ताप रही थी। ये तो वही अग्नि थी जो तेज था महादेव का। तो ये ऋषि पत्नियों में उस तेज का छह भाग हो गया, लेकिन उनके लिए भी इसको बर्दाश्त करना कठिन था। कोई योगी नहीं महिला होती है जो शिव के तेज को धारण कर सकती है, लेकिन ये तेज ऐसा था कि छह महिलाओं ने मिलकर के इसको धारण किया, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना ये तेज कठिन था। तो वो हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ में जाकर बैठ गए। वहां जाकर के उसने खूब तपस्या की और तपस्या के बाद जब उन्होंने ये छह स्त्रियों ने उस तेज को वहां से प्रकट किया, वो छोड़ दिया, वो जब मिल गया तो छह मस्तक वाले कार्तिक स्वामी का एक आकार बन गया। शिव के पाल का, शिव के विचार का यह तेज है। जहां पर यह बालक है, ये तो रुद्र का तेज था, बहुत जल्दी अपने आप में वो सक्षम हो गया था, लेकिन कौन है, उनका कोई संस्कार हुआ नहीं था। अब रुद्र का पुत्र शिव का अंश भी ये चाहता है कि जब हम आकार लेते हैं ना तो संस्कार की आवश्यकता होती है। उनका संस्कार नहीं हुआ था कुछ। तपस्या के लिए वहां पर विश्वामित्र मुनि गए थे तो विश्वामित्र जी को देख करके ये बालक तेजोमय बालक है वो कहता है कि भले ही मैं तेजोमय हूं लेकिन संस्कार जरूरी है, आप मेरा संस्कार करो। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तब वो ब्राह्मण नहीं थे, मैं तो क्षत्रिय हूं। भगवान कार्तिक स्वामी ने वरदान दिया, आप मेरा संस्कार करो, मैं आपको अधिकार देता हूं, मैं आपको ब्राह्मणत्व प्रदान करता हूं। तब उन्होंने कार्तिक स्वामी का संस्कार किया, यज्ञोपवीत आदि किया और उसी स्थान पर एक श्वेत महर्षि वहां पर पधारे। वो श्वेत महर्षि ने कार्तिक स्वामी को शस्त्र दिए, शस्त्र दिए, शास्त्र दिए, ये सारी चीजें दी। वहां से ये बालक कार्तिक इतना तेजोमय है, वो क्रौंच पर्वत पर गया, पर्वत पर जाकर क्या, अब उसका तेज ही ऐसा है कि वो जहां जाकर बैठता है वो ईसा टूट जाता है, उसका प्रभाव इतना है। उसके प्रभाव का विभाग करना जरूरी था उस समय। शिव की प्रेरणा से इंद्र वहां पर गया और इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा एक प्रहार किया, दो प्रहार किया, तीसरा किया। ये तीन प्रहार करने से उसमें से तीन विभाग हुआ, नैगम हुआ, विशाख हुआ और शाख हुआ, एक तो था। तो ये चार स्कंद है, चार स्कंद बने, लेकिन प्रहार करने वाले का पीछा किया इस बालक ने। कौन कर रहा था? इंद्र। इंद्र का पीछा किया, इंद्र भी डर गया, भयभीत होकर इंद्र भागा स्वर्ग में, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा, वो स्वर्ग में पीछे गए। इंद्र भाग करके अपने भवन की ओर चला गया। उस बीच में स्वर्ग में जो छह कृतिकाएं थी उसने इस बालक को देखा, उनको, वो छह महिला थी और सबको इतनी ममता थी, इससे बहुत ममता हुई। उसकी ममता को समझ करके कार्तिक स्वामी ने भी उनको माताओं के रूप में अपनाया, उसी के दूध का पान किया और इसीलिए नाम कार्तिक हुआ। स्वर्ग की कृतिकाओं ने दूध पिला करके इनका, इनको तृप्त किया।
बहुत समय तक कृतिकाओं के साथ ही कार्तिक स्वामी 6 माताओं के साथ रहे, बहुत लंबे समय तक रहे। लेकिन बाद में पार्वती जी ने एक बार पूछा शिव जी से कि उस समय आपके भाल से जो तेज प्रगट हुआ था, हमारी वो संतान कहाँ है, क्या कर रही है, किस रूप में है, मुझे उसको देखना है, मैं मिलना चाहती हूँ उसको। और तब कुछ गणों आदि को भेजा शिवजी ने, वहां जहां कृतिकाओं के पास पल रहे थे कार्तिक स्वामी, वहां पर। और जैसे ये लोग गए, कृतिकाएं डर गई और कृतिकाओं ने कहा कि ये कोई सैन्य आया है युद्ध के लिए। कार्तिक स्वामी ने कहा कि तुम आप डरो मत, मैं जाता हूं, मैं देख लूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कार्तिक स्वामी गए तो नंदी वगैरह भगवान शंकर के सब गण थे, हम कोई लड़ाई के लिए नहीं आए, महादेव ने हमको भेजा है, आप शिव के पुत्र हैं, माँ पार्वती ने आपको बुलाया है। और तब कार्तिक स्वामी वैसे भी परम शिव उपासक थे और शिव का निमंत्रण है, शिव बुला रहे हैं, माँ पार्वती बुला रही है और मैं उन्हीं का बेटा हूं। वैसे तो अभी तक मानते थे कि मैं शिव भक्त हूं, लेकिन अब जब ये सुना कि आप शिव भक्त ही नहीं, आप शिव पार्वती की ही संतान है, इससे अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझने लगे। मैं तो शंकर का बेटा हूं, मैं महादेव का पुत्र हूं। अब खुद को भी जल्दी थी, माँ पार्वती से मिलना है, महादेव से मिलना है, शिव के दर्शन करना है, बहुत जल्दी थी। सारी कृतिकाएं रोने लगे क्योंकि वो उनकी भी ममता थी। वो कहने लगी कि माँ की तुलना में पालन करने वाली माँ तो कई गुनी श्रेष्ठ है, कई गुनी बड़ी है, और हम तो पालक माताएं हैं। कार्तिक स्वामी ने उन सबको ब्रह्म ज्ञान दे करके तृप्त कर दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया, सबको सब समझ में आ गया।